बाबा के साथ एक बेड पर सोती थी हनीप्रीत, सहेली ने किए और भी खुलासे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की काली करतूते हर रोज बेपर्दा होती नजर आ रही हैं। उसकी सहेली और पूर्व साध्वी ने खुलासा किया है कि हनीप्रीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी नहीं थी, बल्कि उसके साथ पत्नी की तरह ही व्यवहार करती थी और एक ही बेड पर सोती भी थी। उसने कार में भी एक बार उनका बिस्तर लगा हुआ देखा था। डेरे की पूर्व साध्वी हनीप्रीत की सहेली रही महिला का दावा है कि उसने कई बार राम रहीम को हनीप्रीत को एक साथ देखा और गाड़ी में भी कई बार उनका बिस्तर लगाया हुआ देखा था। बाबा के साथ हनीप्रीत ठीक वैसे ही रहती थी जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ रहती है। जिम ट्रेनर से भी हनीप्रीत ने एक बार कहा था कि वो थकती नहीं है क्योंकि उस पर पापा जी यानी कि राम रहीम का हाथ है। पूर्व साध्वी ने खुलासा किया कि राम रहीम की सबसे खास हनीप्रीत एक खास गुलाबी कलर का जाम पिलाकर लड़कियों को मदहोश कर देती थी। वो जाम में कुछ ऐसा मिलाती थी कि लड़कियां बाबा राम रहीम के बिस्तर तक पहुंच जाती थी। हम आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस राम रहीम की खास हनीप्रीत इंसा की तलाश में जगह जगह सर्चिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बाबा को छोड़ने के बाद वे नेपाल भाग गई। पुलिस उसकी तलाश में बिहार के कई जिलों और नेपाल बॉर्डर पर तलाशी अभियान चला रही है। तो देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, प्रिया की रिपोर्ट।